नमस्कार किसान साथियों, फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज आपको दिखाने जा रहे हैं तूड़ी की गांठे जो हैं कैसे बनती हैं, कैसे इसका प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ जिमीदारों ने ही तूड़ी का स्टोर कर रखा है और उसकी गांठे बना बना के जो आगे जहाँ भी किसानों को ज़रूरत होती है तो आगे यह सप्लाई करते हैं। काफ़ी बड़ा इन्होंने जो है स्टोक कर रखा है, तो पूरी जानकारी लेंगे कैसे ये गांठें तैयार होती हैं और कैसे ये तूड़ी से यहाँ से तूड़ी जाती है और वहाँ पे गांठें तैयार होके इधर स्टोर करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस के बारे में आप आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो कृपया करके रेड बटन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो किसान साथियों, तूड़ी का इस बार काफ़ी जो है किसानों में डिमांड रही है और जो यहाँ पे किसान हरियाणा पंजाब उन्होंने इसको एक उद्योग के रूप में भी तैयार किया है। काफ़ी इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया है जो गांठें तैयार होती हैं तो उसको प्रेसिंग, ये जो तूड़ी का ढेर है पहले इसको लोडर द्वारा इस कन्वेयर पर डालते हैं। तो जैसे कपास की गांठें शायद आपने पहले कभी देखी होंगी, वही सेम प्रोसेस इसमें करते हैं। तूड़ी उठा के तूड़ी को जैसे कन्वेयर पर रखा तो कन्वेयर जो है यहाँ से लेके पूरा आगे प्रेस की तरफ ले जाता है और प्रेस पे जब यह जाती है तो उसके बाद इसको बिल्कुल जो एक गांठ 100 से 150 क्विंटल की एक गांठ बन जाती है। पूरी तरह से दोनों तरफ से इसको प्रेस करके फिर उसको ये स्ट्रिप्स द्वारा उसको ये एक गांठ में तैयार कर दिया जाता है। 100 से 150 क्विंटल की जो है गांठ एक तैयार हो जाती है। तो फिर इसको यहाँ से लेके ये काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पे स्टोर किया गया। इससे एक तो तूड़ी को ले जाना, लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान रहता है। अब ये तूड़ी की गांठ की क्वालिटी देखिए, काफ़ी जो है बिल्कुल दबी हुई, बहुत बढ़िया। ये मतलब ये एक बेल तैयार हो गई है तूड़ी की, तो बहुत ही अच्छा। ये मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट है और ट्रांसपोर्ट, चाहे इसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो ये आपके सामने ये गांठ इस तरह से तैयार हो गई है। तो इसको ये आपके सामने देखिए। सो काफ़ी मेरे ख्याल से 5 मिनट में जो है एक गांठ जो है तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर से ये जैसे स्ट्रिप्स को ये बिछाते हैं जो उसको बिल्कुल ये ना, ये आप देखिए बिल्कुल तूड़ी कोई ख़राब नहीं होती, कोई कुछ नहीं, वैसे कि वैसे ही चाहे कहीं भी आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो, किसान साथियों, ये नई जो चीज़ है आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे किसान साथी भी इसको देख सकें। और किसी किसान साथी को अगर पहले भी वीडियो में किसान साथी दूर नज़दीक जो तूड़ी है वो मंगवाने का पूछते रहते हैं तो ये कहीं भी तूड़ी आपको पहुंचा देंगे। ये इनका जैसे लाडी पन्नू जी हैं, लाडी पन्नू जी का नंबर मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहा हूँ, तो उनसे आप बात करके, डायरेक्ट बात करके आप इस तूड़ी की गांठों को आप कहीं भी मंगवा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में भी ये सप्लाई कर देंगे। सो, किसान साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद किसान हैं वो नज़दीक या दूर ये तूड़ी की गांठें इनसे मंगवा सकें। नंबर इनका स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और आप कभी भी इनको कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सारा ये आपको बता देंगे, तो आप इनसे बात करके ये गांठे मंगवा सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक समय सिर पहुंच सके। और अपने शहर के जो मंडी के रेट हैं या जो भी रेट हैं तूड़ी के, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि दूसरे किसान भी जानकारी ले सकें। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।